इंशाल्लाह मार देंगे। तो ये रकम है कि हुकूमत मोदी की है, योगी की है, नहीं हमारे दिनों पर राज सिर्फ मुस्तफ़ा जानी रहमत का चलता है। इंशाल्लाह अंकरीब मारेंगे, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह। है मुसलमानों अपनी जानो मारी से तो आबरू हुजूर के लिए कुर्बान कर दो। जिस जिसने वो डासा दबार आ रहे हजूर के गुलाम तेन बताने तू बचते सही तेन दसना है हजूर के गुलाम कैसे होते हैं। जो मुसलमान को गाली दे रहा था खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बरकत से मैंने मारा है, इंशाल्लाह वो बचेगा नहीं, इंशाल्लाह वो मरेगा। पहले दिन दहाड़े बस कंडक्टर पर जानलेवा हमला किया, फिर सीधा सीएम योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर दिया। यह है प्रयागराज का बीटेक स्टूडेंट आरोपी लारेब हाशमी, जिस पर आरोप है कि पहले बस कंडक्टर पर जानलेवा हमला किया और फिर वीडियो बनाकर साफ कह दिया कि ये हुकूमत योगी मोदी की नहीं हमारी है। हमले के बाद आरोपी ने वीडियो जारी कर हैरान कर देने वाली बात कही। सलाम जो मुसलमान को गाली दे रहा था खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बरकत से मैंने मारा है, इंशाल्लाह वो बचेगा नहीं, इंशाल्लाह वो मरेगा। यहाँ से फ्रांस तक पूरी दुनिया तक ये गरीब नवाज के तक पैगाम दे रहा है जिसने हुजूर के खिलाफ बात की है। लब्बैक या रसूलल्लाह, हम जिएंगे आपके लिए, मरेंगे आपके लिए, इंशाल्लाह मार देंगे। तो ये रकम है कि हुकूमत मोदी की है, योगी की है, नहीं हमारे दिनों पर राज सिर्फ मुस्तफ़ा जानी रहमत का चलता है। इंशाल्लाह अंकरीब मारेंगे, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ मुसलमानों अपनी जान व माल से तो आबरू हुजूर के लिए कुर्बान कर दो। जिस जिसने वो डासा दबार आ रहे हजूर के गुलाम तेन बताने तू बचते सही तेन दसना है हजूर के गुलाम कैसे होते हैं। या हादिम हुसैन रजवी, आपने फरमाया था अल्लाह की राह में निकलो फरिश्ते आएंगे, हम मेरी मदद फरमाओ, एक कतल नहीं करना। दुश्मन इस्लाम दी लाशों के ढेर लगा देने इंशाल्लाह। लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक या रसूलल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। इसी से मारा है इंशाल्लाह, तमाम गुस्ताखों को मार डालेंगे। अब जरा पूरा मामला समझ लीजिए। आरोप है कि प्रयागराज के सिविल लाइन से करछना जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा में यात्रा कर रहे इंजीनियरिंग के छात्र लारेब हाशमी और बस कंडक्टर हरिकेश विश्वकर्मा के बीच बस के किराए को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि इंजीनियरिंग के छात्र आरोपी लारेब हाशमी ने धारदार चापर से हमला कर दिया। हमले के बाद बस कंडक्टर की गर्दन और हाथ पर चोट आई है और बस में मानो अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि जैसे ही बस प्रयागराज नैनी के इंजीनियरिंग कॉलेज के गेट पर पहुंची, इसी समय इंजीनियरिंग के छात्र ने कंडक्टर पर हमला कर दिया। आरोप ये भी है कि हमला करने के बाद आरोपी जमात अभी जिंदा है और अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए चला गया। अचानक बस में हमला हुआ और आवाज आई, उसको हम लोग गाड़ी खड़ी किए, उसको लेके गए हॉस्पिटल। पब्लिक पूरा पुलिस की माने तो पुलिस जब आरोपी को गिरफ्तार कर थाने ले जा रही थी तभी आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग करना शुरू कर दिया और फिर जवाबी कार्रवाई में आरोपी गोली लगने से घायल हो गया। अभियुक्त को गिरफ्तार करके उसे पूछताछ की गई। जब पुलिस टीम द्वारा चापड़ की बरामदगी के लिए अभियुक्त की निशानदेही पर वहाँ ले जाया गया अभियुक्त को, तब पहले से छुपे असले के द्वारा अभियुक्त ने पुलिस पर फायरिंग करी। पुलिस की आत्मसंरक्षण फायरिंग के दौरान अभियुक्त चोटिल हुआ जिसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अब पुलिस लगातार आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। प्रयागराज से आनंद राज की रिपोर्ट, यूपी तक।